तो अभिषेक यानी कि फुकरा इंसान की कैप्टेंसी पर अब गाज गिरी है। आप जानते ही हैं कि फुकरा काफी समय से जो है कि अपनी कैप्टेंसी में लेजी बिहेव कर रहा है और अब इसी के चलते कैप्टेंसी टास्क घर में हो रहा है और बिग बॉस ने कहा है कि यहाँ पर बहुत हो गया, अब सत्ता परिवर्तन का, सत्ता बदल का समय है और यहाँ अब कैप्टेंसी टास्क होगा। साफ साफ ये कहा गया कि जिस तरीके से कंटेस्टेंट लेजी हैं, जिस तरीके से वो इन सारे टास्क को, घर की ड्यूटीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं और सुबह से 3 बार कुकड़ू कू अभिषेक यानी कि फुकरा के लिए बच चुका है, तो अब बिग बॉस इस बात से चिढ़ गए हैं और घर में कैप्टेंसी टास्क आ चुका है तो फुकरा के हाथ से चली गई है कैप्टेंसी। सत्ता बदलने का समय आ गया है, देखना होगा कि कौन होगा अगला कैप्टन। लेकिन आज एक टास्क इन सभी को दिया जाएगा। सुबह से ही फुकरा के लिए 3 बार कुकड़ू कू बजा, घर के लोग जो है बोलते हुए नजर आए कि ये कैसा कैप्टन है जो खुद ही सोता रहता है, ये कैसा कैप्टन है जिसको खुद ही ड्यूटीज की नहीं पड़ी, ये कैसा कैप्टन है जो सोने से ही बाज नहीं आता। जिया तो कई बार जाके कैमरे पर शिकायत कर चुकी है कि भाई ये कैप्टन खुद ही अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहा है, खुद ही इतना आलसी है, खुद ही रूल ब्रेक कर रहा है, तो इसको कैसे कैप्टन बने रहने दे सकते हैं आप। फिर बाद में जब वो सो गया तो सभी ने देखा कुकड़ों को बजा, तो बेबिका, साइरस ये सभी जाकर जो है जिया फुकरा को डांटने लग गए। खुद फुकरा कहता हुआ नजर आया कि कैप्टन को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितना चाहे वो सो सके। तो लगता है कि अब फुकरा जो है उसके हाथ से, उसके आलस की वजह से कैप्टेंसी चली गई है और अब घर में समय आ गया है सत्ता बदल का, यानी कि नए कैप्टन का, जिसके लिए थोड़ी देर में टास्क जो है शुरू होने वाला है।